तो क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं दी ट्रेंड। तो आज एक हम एप्लीकेशन का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसमें आप बैकग्राउंड कट भी कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं और इसमें आपको 2 से 3 एडवांस फीचर देखने को मिल जाएंगे। इसका नाम है जी बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट। इसका SEO भी काफ़ी अच्छा है। तो ये देखने इसकी पिक्चर, जब आप इस पिक्चर काटेंगे ऑटो काट लें या मैनुअल काटें तो ये आपको फुल रेजोल्यूशन पिक्चर की देगी। तो फर्स्ट जब आप ओपन करेंगे ये खुद आपको गाइड करेगी कि आपने ऐसे ऐसे करना है। तो ये है जी हमारा ऑप्शन कट फोटो का। पहला हमने इधर जाना है गैलरी में और ये इधर हमारी ये पिक्चर होगी। मैं लास्ट पे आपको इसका प्रूफ भी दूंगा, आपने इसको क्रॉप कर लेना है और ओके। उसके बाद ये हमारी आ गई है, ऑटो का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। ये देख सकते हैं आप ऑटो कितनी अच्छे तरीके से उसने कर दी है ऑटो। पिक्चर देख लें, पिक्चर नहीं फटी, आप देख सकते हैं। मैं इसको जूम करके दिखा दूँ आपको, ये देख लें आप। मैंने अभी ऑटो के इसकी आप सेटिंग यही रहने दे। उसके बाद ये हमारा ऑप्शन आ जाता है, ये जो से छोटे छोटे हैं कह लें कि ज़रे, आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं ऑटो के साथ ना करें। इधर आ जाता है हमारा जी ऑफसेट एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन, हमने इधर क्लिक करना है और ये देखें इधर कह रहा है जी कट आउटसाइड, ये हमारी पिक्चर कट हो गई है, और कट इनसाइड, ये हमारा कट हो गया है, ये देख सकते हैं कट इनसाइड। उसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है जी मैनुअल का। मैनुअल मैनुअल कटिंग आपने कैसे करनी है जी, आपको वो दिखाई दे रहा होगा ऊपर। देखें आप इधर, इस हिसाब से आपने आपने पिक्चर कट करनी है। कुछ बाज़ का लोग दूसरे तरीके से पिक्चर को देखते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं लगती ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ये देख सकते हैं हमारी ये काफ़ी अच्छे तरीके से काटी गई है पिक्चर ऑटो के साथ। चलें कोई बात नहीं, थोड़ा सा लग गया है। तो ये ले जी हमारी ये पिक्चर रेडी है। उसके बाद रीस्टोर का ऑप्शन आ जाता है, रीस्टोर करना चाहे तो आप इसको भी कर सकती हैं। जूम का ऑप्शन आ जाता है जी, ये भी आप देख लें, जूम करके भी आप इसको देख सकती हैं पिक्चर को। जैसे कि हाँ, ये एक बात ये भी आप ध्यान रखें, जैसे कि पिक्चर के साइज़ होगा, पिक्सल होगा, अगर आपने कैमरे के साथ लिए पिक्चर तो आप जिसको जितना मर्ज़ी जूम करें ये पिक्चर नहीं फटेगी। उसके बाद हमने इधर कर देना जी गुड के ऊपर क्लिक। उसके बाद ये पूछता है जी आपने अपनी पिक्चर को स्मूथ कितना करना है। तो मैं फ़िलहाल इधर कर देता हूँ जी क्लिक, ज़्यादा करेंगे तो वो भी आपको दिखाई दे रहा। फ़िलहाल थोड़ा सा आप कर लें या सेंटर में कर लें स्मूथ। उसके बाद ये पूछेगा जी साइज़, इसके बाद PNG के बाद JPG कर लें, ऐड बैकग्राउंड भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, मैं सेव इन PNG। उसके बाद ये पूछेगा रेजोल्यूशन, मैक्स रेजोल्यूशन इसकी ये है, पिक्चर के हिसाब से पूछेगा। अगर आपने कैमरे के साथ ली है पिक्चर तो उसकी रेजोल्यूशन भी इधर आएगी। उसके बाद ये हाई रेजोल्यूशन है और ये नॉर्मल रेजोल्यूशन, मैं इसकी मैक्स रेजोल्यूशन के ऊपर करूँगा क्लिक और ये हमारे पास पिक्चर सेव हो गई है। बैकग्राउंड उधर ही ऑप्शन आ जाएगा कि आपने बैकग्राउंड कैसे करना है। मैं आपको बैकग्राउंड भी करके दिखा देता हूँ जी, ये देखें जी बैकग्राउंड जिस हिसाब से मर्ज़ी कर लें, कट आउट है ये बैकग्राउंड। इधर ये वाले ऑप्शन से आप गैलरी से बैकग्राउंड अपना ले सकते हैं जी, ये खुद इसके हैं बैकग्राउंड, ये लें जी। ये जो भी आप सेटिंग करना चाहे, ओपेसिटी, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, जो भी करना चाहे, इधर स्टिकर भी डल जाएंगे ये देख सकते हैं आप, और इधर टेक्स्ट डल जाएगा जो भी आप इधर लिखना चाहे, नाइस लवली। तो इधर भी हम अपनी ये पिक्चर को सेव कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ जी इसकी साइज़ में। ये जी हमारा पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आपका इधर ये आएगा बैकग्राउंड प्लेसमेंट इंटेलिजेंट रिकॉग्नाइजेशन। इधर ये देख लें हमारी ये पिक्चर कट हुई है ऑटो के साथ। 3 मैंने ऑप्शन आपको बताए हैं, ऑटो,
और एक्सट्रैक्ट वाला था ऑप्शन, और तीसरा था मैनुअल वाला। उसके बाद ये आपको पूछेगा आपने कौन सी PNG करनी है, JPG करनी है, उसके बाद स्मूथ का ऑप्शन पूछेगा, उसके बाद आपको रेजोल्यूशन का पूछेगा। ठीक है जी, तो ये थी आज की इस वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, चैनल पर नए हैं दी ट्रेंडर को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को दबाना है। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने फेसबुक के पेज को लाइक नहीं किया तो उसको भी लाइक कर लें, तीनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।